यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर, मंत्री आईएएस विवाद पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री रेखा आर्य और आईएएस के विवाद की जांच पूरी हो गई है, ये सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है और जल्द ही मुख्य सचिव को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आईएएस मनीषा पवार ये अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। एक हफ्ते का समय था, तीन हफ्ते के बाद रिपोर्ट अब सौंपेगी। हमारे संवाददाता विनोद ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सौंपी जाएंगी, सूत्र क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ है? जी राजीव, देखिए राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम का मामला करीब एक महीने से उत्तराखंड में गरमाया हुआ था और पूरे मामले की जो टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला और आरोप लगातार रेखा आर्य के द्वारा लगाए गए थे और आईएएस वी षणमुगम का पूरी तरह से विवादीय सुर्खियों में रहा है, जिसको लेकर एक जांच कमेटी तैयार की गई थी जिसमें पूरे मामले में जांच अभी अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार के माध्यम से की जा रही है, लेकिन एक सप्ताह का समय दिया गया था उत्तराखंड शासन की ओर से, लेकिन कोरोना संकट के दौरान मनीषा पवार जो जांच अधिकारी है वो कुछ चार दिनों के आइसोलेशन में रही है, जिसके चलते पूरी जांच लंबित हो चुकी है। और कुल मिलाकर रिपोर्ट सौंपी जानी है, क्या सूत्र से कुछ जानकारी मिल पाए कि इस रिपोर्ट में क्या तैयार किया गया, रिपोर्ट में क्या क्या है? जी, सूत्रों के अनुसार ये जांच रिपोर्ट आज मनीषा पवार शासन को रिपोर्ट अपनी दे सकती है और साथ ही साथ इस पूरी रिपोर्ट में लगातार जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, चाहे वो राज्य मंत्री रेखा आर्य के तमाम उन्होंने इकट्ठे किए थे और चाहे वी षणमुगम की जितनी भी पत्रावली थी उन्होंने इकट्ठे की थी कि जब वो छुट्टी पर गए थे, परमिशन लेके गए थे, तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज इन्होंने सभी पक्षों के दोनों पक्षों के मांगे थे मनीषा पवार ने, लेकिन अब जांच पूरी हो गई है और तो ठीक है। विनोद, दोनों पक्षों से रिपोर्ट जी। विनोद, मैं लौट रहा हूँ आपके पास अगली खबर पर। तो ये बड़ी खबर, रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है मनीषा पवार, सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, मंत्री रेखा आर्य और आईएएस के विवाद की जांच पूरी हो गई है, ये सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है और जल्द ही मुख्य सचिव को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आईएएस मनीषा पवार ये अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। एक हफ्ते का समय था, तीन हफ्ते के बाद रिपोर्ट अब सौंपेगी। हमारे संवाददाता विनोद ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सौंपी जाएंगी, सूत्र क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ है? जी राजीव, देखिए राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम का मामला करीब एक महीने से उत्तराखंड में गरमाया हुआ था और पूरे मामले की जो टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला और आरोप लगातार रेखा आर्य के द्वारा लगाए गए थे और आईएएस वी षणमुगम का पूरी तरह से विवादीय सुर्खियों में रहा है, जिसको लेकर एक जांच कमेटी तैयार की गई थी जिसमें पूरे मामले में जांच अभी अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार के माध्यम से की जा रही है, लेकिन एक सप्ताह का समय दिया गया था उत्तराखंड शासन की ओर से, लेकिन कोरोना संकट के दौरान मनीषा पवार जो जांच अधिकारी है वो कुछ चार दिनों के आइसोलेशन में रही है, जिसके चलते पूरी जांच लंबित हो चुकी है। और कुल मिलाकर रिपोर्ट सौंपी जानी है, क्या सूत्र से कुछ जानकारी मिल पाए कि इस रिपोर्ट में क्या तैयार किया गया, रिपोर्ट में क्या क्या है? जी, सूत्रों के अनुसार ये जांच रिपोर्ट आज मनीषा पवार शासन को रिपोर्ट अपनी दे सकती है और साथ ही साथ इस पूरी रिपोर्ट में लगातार जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, चाहे वो राज्य मंत्री रेखा आर्य के तमाम उन्होंने इकट्ठे किए थे और चाहे वी षणमुगम की जितनी भी पत्रावली थी उन्होंने इकट्ठे की थी कि जब वो छुट्टी पर गए थे, परमिशन लेके गए थे, तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज इन्होंने सभी पक्षों के दोनों पक्षों के मांगे थे मनीषा पवार ने, लेकिन अब जांच पूरी हो गई है और तो ठीक है। विनोद, दोनों पक्षों से रिपोर्ट जी। विनोद, मैं लौट रहा हूँ आपके पास अगली खबर पर। तो ये बड़ी खबर, रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है मनीषा पवार, सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है।